वेलकम बैक साथियों, बिहार स्टेट बोर्ड पेपर और सब्जेक्ट के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अगर आप हमारा पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड है तो आप हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स को आप पीडीएफ के रूप में अपने व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट अपने पते पर मंगवा सकते हैं। प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट में 50 प्रश्न पेडागोगी और अदर स्किल से पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम पेडागोगी के कंप्लीट मॉक टेस्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें हम शिक्षण कौशल के सिलेक्टेड 30 प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट 1 की। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, व्यवहारवादी। दो नंबर क्या कह रहा है? भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तीन नंबर क्या कह रहा है? तीन नंबर क्या कह रहा है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था के दौरान। चार नंबर क्या कह रहा है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं यह कथन। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या किसी किसी ऑप्शन में आपको दे देगा लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। पांच नंबर क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। इसका सही जवाब हो गया आज का छह नंबर सवाल क्या कह रहा है? रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, दबाव से निपटने में। सात नंबर क्या कह रहा है? फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। आठ नंबर क्या कह रहा है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। नौ नंबर क्या कह रहा है? व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र की भूमिका है। दस नंबर क्या कह रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ग्यारह नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। आगे देखते हैं आज का 12 नंबर सवाल। 12 नंबर क्या कह रहा है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष। इसे भी पहले आपको बताए थे, जन्म से 2 वर्ष क्या होता है? संवेदी प्रेरक होता है। उसके बाद में इसके बारे में सबके बारे में बताए हुए थे। आगे 13 नंबर क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के उनके अवसर उपलब्ध कराना। 14 नंबर क्या कर रहा है?
सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? 14 नंबर इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधार सुधारा जाए। 15 नंबर, 15 नंबर क्या कह रहा है? मानव मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली जगह योग्य बनाती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। 16 नंबर, 16 नंबर क्या कह रहा है? किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? 16 नंबर इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। 17 नंबर, 17 नंबर क्या कह रहा है? किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के, या वही सेम टू सेम क्वेश्चन डबल टाइप हो गया हुआ है। आगे देखते हैं 18 नंबर, 18 नंबर क्या कह रहा है? कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। आगे देखते हैं 19 नंबर, 19 नंबर क्या कह रहा है? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। आगे देखते हैं 20 नंबर, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हवार्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। 21 नंबर, या 20 और 21 दोनों सेम ही सेम है। आगे देखते हैं 22 नंबर, 22 नंबर क्या कह रहा है? समाजीकरण क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। आगे देखते हैं 23 नंबर, 23 नंबर क्या कह रहा है? विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। 24 नंबर, 24 नंबर क्या कह रहा है? किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। 25 नंबर, 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? इसका जवाब आप सबको मालूम होना चाहिए। इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। आगे देखते हैं 26 नंबर, 26 नंबर क्या कह रहा है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों को। आगे देखते हैं 27 नंबर, 27 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभिव्यक्ति संगति करण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। आगे देखते हैं 28 नंबर, 28 नंबर क्या कह रहा है? निम्न इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इदम। आगे देखते हैं 29 नंबर, 29 नंबर क्या कह रहा है? बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। आज का अंतिम सवाल और 30 नंबर सवाल देखते हैं। बच्चे विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की क्या सहायता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे, हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशियंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।